नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राजस्थान के अनेक हिस्सों में बूंदाबांदी व बारिश का क्रम अभी जारी रहने का अनुमान है। बीते 24 घंटों में कई जगह 1 से 3 सेंटीमीटर तक बारिश हुई है। जयपुर मौसम केंद्र के प्रवक्ता के अनुसार एक और नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हरियाणा व आसपास के क्षेत्र में एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से शनिवार व रविवार को बीकानेर, चूरू, नागौर व हनुमानगढ़ जिले में आंधी के साथ अचानक 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से हवा चलने व बारिश होने की संभावना है। वहीं जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर व अजमेर संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर आगामी 3 व 4 दिनों के दौरान दोपहर के बाद आंधी के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज होने की संभावना है। बीते 24 घंटों में राज्य में कहीं कहीं धूल भरी आंधी व हल्की बारिश दर्ज की गई है। इस दौरान उदयपुर, राजसमंद व चित्तौड़गढ़ में अनेक जगह 1 से 3 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि सबसे अधिक तापमान बीकानेर में 41.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। राजधानी जयपुर में शनिवार दोपहर से ही बादल छाए हुए हैं।